जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस देश और दुनिया में पैर पसारता जा रहा है। सतर्कता ही सुरक्षा है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अनुरोधित जनता कर्फ्यू हमारे लिए एक उत्तम प्रयास है। हम समस्त देशवासियों को मिलकर एक साथ कोरोना से जंग जीतनी होगी। 22 मार्च को मैं समस्त देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो सुबह से शाम तक घर में ही रहें और अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। और शाम को 5 बजे हम मीडिया से जुड़े हुए साथी और पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए साथियों का और भगवान के दूसरे नाम कहे जाने वाले चिकित्सक डॉक्टर का अपने बालकनी में आके उत्साहवर्धन करेंगे। कोरोना वायरस से बचने के कुछ तरीके। पहला, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। दूसरा, बार बार अपना हाथ और चेहरे को साबुन से धोते रहें। तीसरा, जुखाम या बुखार होने पे आप डॉक्टर से संपर्क करें। चौथा, अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो अपने पास सैनिटाइजर जरूर रखें और 15-15 मिनट में अपने हाथ को साफ करते रहें। दोस्तों, मुझे लगता है ये जो समय हमारे पास है इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करें, घर में बड़े परिवारजनों का ख्याल रखें और घर में रहते हुए अपने आप को फिट बनाए रखिए। हेल्दी शरीर कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम होता है। घर में रहकर योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और हो सके तो जुम्बा भी करिए और अच्छा खाइए। इससे आपका इम्यून सिस्टम, मतलब बीमारी से लड़ने की आपकी जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आप सब लोगों के स्वस्थ जीवन के कामना के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।